सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 16, 17, 18, 19, 20 और आकलन 3 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, और सभी कार्यपत्रकों के हल देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट से आप सभी कार्यपत्रक के हल एक साथ भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 16। पहला है, आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखें। अब ये आकृति दे रखी है हमें, इसका छायांकित भाग देखिए 3 भाग है, उसमें से एक छायांकित। कुल भाग को लिखना है हमें नीचे, और जो कलर वाला है उसको ऊपर लिखना है। तो कुल है 3, 3 नीचे, कलर वाला 1, 1 ऊपर, 1/3। इसमें कुल भाग है 4, 4 नीचे आ गया हर में, कलर वाला 1 ऊपर आ गया अंश में, 1/4। इसमें देखिए 2/6, गे में है यहाँ 8 भाग, छायांकित है 3, 3/8। डे में 4 भाग हैं, छायांकित 2, 2/4। इसमें कुल 4 भाग हैं, छायांकित 2, 2/4। प्रश्न नंबर 2, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृति को छायांकित कीजिए। के 2/5, कुल 5 भाग हैं, उसमें से 2 को छायांकित करना है हमें। 3/4, इसका मतलब 4 भाग हैं, 3 को छायांकित करना है। 2/7, 7 भाग में से 2 को छायांकित करना है। 5/8, 8 में से 5 को छायांकित करना है। तीसरा प्रश्न है, आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान करें। छायांकित भाग है इसमें 4 में से 1, 1/4 से मिलान करना है, और इधर भी इससे मिलान कर दें, ये इसकी समान आकृति है। 2/8 यानी इसका मतलब भी 1/4 ही हुआ। इसमें देखिए 3 में से 2 छायांकित है, 2/3, और इसकी समान भिन्न होगी, इसकी समान कोई भी नहीं है। अगली है 1/3, 1/3 को इसकी समान ये है, ये है आधा छायांकित है 1/2, इसमें भी आधा छायांकित है, 1/2 से मिलान कर दें। ये था कार्यपत्रक 16। कार्यपत्रक 17, पहला प्रश्न है, इसमें कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृति के भिन्न के बराबर हैं, उस पर उचित पर राइट का निशान लगाएं। तो इसमें देखिए 4 में से 2 छायांकित है, तो इसका मतलब आधे छायांकित है। तो इसमें आकृति नंबर 2, इसमें भी आधे छायांकित हैं, आकृति नंबर 3, इसमें भी आधे छायांकित हैं, दोनों में राइट करें। प्रश्न नंबर 2, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखें। तो इसकी भिन्न लिखेंगे अपन 9 में से 5 छायांकित, 5/9, ये 1/1 यानी 1, इसकी भिन्न होगी 3/4, इसकी होगी 1/4, इसकी भिन्न आधा छायांकित 1/2, इसकी होगी 1/3। आरोही क्रम में यानी छोटा पहले फिर बड़ा, सबसे छोटा होगा इसमें 1/4, इससे बड़ा 1/3, इससे बड़ा 1/2, 5/9, 3/4, और सबसे बड़ा होगा 1। प्रश्न नंबर 3, सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाइए। देखिए इसमें हर समान है और अंश भिन्न है, तो जो अंश सबसे छोटा होगा वही छोटी है। तो इसमें सबसे छोटा है 3, 3/5, इस पर गोला लगाइए। इसमें सबसे छोटी होगी 7/11, इस पर गोला लगाएं। तीसरे में सबसे छोटी 5/7, इसमें गोला लगाएं। और चौथे में है 5/15, सबसे छोटी, इस पर गोला लगाएं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखें। 8/32 का सरलतम रूप, इसको हम 8 का भाग लगाएंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, 1/4। 16/64 का, इसका भी सरलतम रूप 1/4। 7/21 का सरलतम रूप 1/3। 25/5 का सरलतम रूप 5। 9/81 का सरलतम रूप 1/9।
इकतीस बटा 124 का सरलतम रूप होगा 1/4। प्रश्न नंबर 5, खाली बॉक्स में छोटा बड़ा या बराबर उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो इन दोनों में ये बड़ा है, जिधर मुंह खुला है वो भाग बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है और इन दोनों में ये बड़ा है। ये था कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 18, पहला प्रश्न है इसमें, 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। 0.3 को 10 में से 3 भाग, 0.9 को 10 में से 9 भाग, 0.10 को 100 का 10वां भाग। नीचे दिए गए पिन को दशमलव संख्या के रूप में लिखे, 15/10 का दशमलव होगा। देखिए 10 तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं, 1.5। इसमें 38/100 में नीचे 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दें, 0.38। 115/1000 को लिखेंगे, 0.115। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखे, 0.6 को लिखेंगे 6/10, 18.9 को लिखेंगे 189/10, 0.57 को लिखेंगे 57/100। चौथा है मिलान कीजिए, 99/100 रुपये को मिलाना है 99 पैसे और 0.99 रुपये से, 1/2 रुपये को मिलाना है 50 पैसे 0.50 रुपये से, 1/10 रुपये को मिलाना है 10 पैसे 0.10 रुपये से, 5/100 को मिलाना है 5 पैसे 0.5 पैसे रुपये से, 3/4 रुपये को मिलाना है 75 पैसे 0.75 रुपये, 1/4 को मिलाना है 25 पैसे 0.25 रुपये। पांचवा है, नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें, 5.3 यानी 53/10 बराबर 5 से 3/10, 8.9 यानी 89/10 8 से 9/10, 10 का भाग लगाया अपन ने 89 में 8 बार, 9 बचा 9 शेष ऊपर आ गया 8 से 9/10। इसी प्रकार 4.6 को हमने दशमलव हटाया, नीचे 10 आ गया 46/10, 10 का 46 में भाग लगाया 4 बार, शेष बचे 6 4 से 6/10। 5.92 का 592/100 5 से 92/100, 2.71 271/100 2 से 71/100। प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखें, 9 से 5/10 को लिखेंगे हम, 9 से 5/10 को लिखेंगे हम 9.5, 2 से 7/100 को लिखेंगे 2.07, 9 से 8/1000 को लिखेंगे 0.008, 3 से 4/10 को लिखेंगे 3.4। प्रश्न संख्या 7, दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप लिखें, दशमलव संख्याएं हैं 831.7, 8 सैकड़ा 3 दहाई 1 इकाई 7 दशांश, 983.2, 9 सैकड़ा 8 दहाई 3 इकाई 2 दशांश, 671/3 को लिखेंगे 6 सैकड़ा 7 दहाई 1 इकाई 3 दशांश। ये था कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक आकलन 3, आकलन 3 काल देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, ये होगा अधिवर्ष होगा 2020। निम्न में से अभाज्य संख्या है, अधिवर्ष कहेंगे अपन जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, इसमें 4 का पूरा भाग चला जाएगा, 5 भाग नहीं गया 0 505, तो ये अधिवर्ष है। निम्न में से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसमें है 9 भाज्य है, 15 भाज्य है, 6 भाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है। संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज, इनका सबसे छोटा समान गुणज होगा 16, 8 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है, तो आप 16 माने। निम्न में से छोटी भिन्न है,
सबसे छोटी भिन्न होगी 3/16। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में सम एवं विषम संख्या छांटिए। 212, 733, 1600, 49, 2006, 70,040, 608, 8,878, 9,381, 6,777, 6,805, 46,814। इसमें सम संख्याएं हैं 212, 2006, 70,040, 608, 8,878 और 46,814। विषम संख्याएं हैं 733, 1,649, 9,381, 6,777 और 6,805। प्रश्न संख्या 6, निम्न संख्याओं को किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए। 100 भाज्य हैं 2, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 से। 150 भाज्य हैं 2, 3, 5, 10, 15, 25, 50, 75 और 150 से। प्रश्न नंबर 7 है, संख्याएं 15, 45, 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करें। तो इनका सबसे छोटा समान गुणज होगा 180। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 450 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3 × 3 × 5 × 5। 2 का भाग लगाया यहाँ 225, 3 का लगाया 225 में 75, 75 में 3 का लगाया 25, 25 में 5 का लगाया 5 और 5 में 5 का लगाया 1। इसी प्रकार 676 में 2 का भाग लगाएंगे यहाँ 338, 2 का भाग लगाया 169, 169 में 13 का भाग लगाया 13, 13 में 13 का लगाया 1। इसी प्रकार 375 के होंगे 3 × 5 × 5 × 5 और 243 के गुणनखंड होंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार 3 आ गया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखें। 9/45 का सरलतम रूप 1/5, 16/48 का 1/3, 18/27 का 2/3। दसवां प्रश्न है, नीचे दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखें। 6/5/10, इसका दशमलव भिन्न होगा 6.5। 3/2/100 का 3.02। 5/28/1000 का 5.028। 13/4/10 का 13.4। कार्यपत्रक 19, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं में उचित चिन्ह लगाकर संख्या रेखा में लिखें। राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने से कारण वह बार बार फिसल रहा है, जिससे राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है, वह छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलने के कारण 1 पायदान नीचे आ जाता है। पानी के तल में पायदान को अगर हम 0 माने तो उससे ऊपर पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1, 2, 3 समझ लें। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1, -2 और -3 के रूप में पायदान की संख्या समझ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पे हैं? तो यहाँ अपने को दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 तो तीसरे पे हैं। 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पे जाएगा? तो 2 छलांग में जाएगा वो 5वें पायदान में, क्योंकि 1 छलांग में 2 ऊपर चढ़ता है, 1 नीचे उतरता है। तो 1 छलांग में 4, दूसरे में 5वें पे पहुंच जाएगा। पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? 2 छलांग। -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी? 5 छलांग। -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? 2 छलांग। प्रश्न नंबर 2, पानी के जमाव बिंदु को शून्य से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है तो उसे -2 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो तो उसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री ये ज़्यादा है, 0 और -5 0 ज़्यादा है, -3 और -5 -3 ज़्यादा है, -5 और 0 0 ज़्यादा है। ये था कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 20,
दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संचार रेखा के क्रम में लिखिए। 5-7, 6-2 और 0, तो यहाँ 0 है, 0 से इधर चलेंगे तो 1 और 2, या -2, और 7वें खाने पर -7, इधर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ जाएगा 6। 6 में है -25, -15, 20, 10 और -20, यहाँ 0 है, 1 खाने को हम 5 गिनेंगे, 5, 10 और यहाँ आ जाएगा -15, -20, -25, इधर गिनेंगे हम 5 गिनना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने को, इस जगह आएगा 10 और 15 और यहाँ जाएगा 20। इसमें 1 खाने को हम 6 गिनेंगे, 12-6-18, 30 और -24, तो यहाँ 0 से 1 खाने पे -6, -12 और -18 और -24, यहाँ पर 0 पर के बाद 6 और यहाँ जाएगा 12-18-24 और यहाँ 30। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है असत्य है। संख्या रेखा पर -8-10 के दाई ओर स्थित है, असत्य। संख्या रेखा -50-51 के बाई ओर स्थित है, सत्य। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, असत्य। -35-25 से बड़ा पूर्णांक है, ये सत्य है। -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए, -18-15-12-10 और -5, कोई भी। इसमें माइनस में उल्टा चलता है, जो छोटा होता है वो बड़ा है। -6 से छोटे 5 पूर्णांक, -7-8-9-10-11। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखें। संख्या 10 का परवर्ती 11, संख्या 82 का परवर्ती 83, संख्या -51 का -50, संख्या -39 का -38। परवर्ती यानी बड़ा। निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती यानी पहले क्या आएगा, -37 से पहले -38, 49 से पहले 48, -311 से पहले -312, 437 से पहले 436। माइनस में हमेशा उल्टा चलता है। ये था कार्यपत्रक 16, कार्यपत्रक 17, कार्यपत्रक 18, 19, 20 और आकलन 3 का हल। इन सभी कार्यपत्रकों के हल आप एक साथ देखने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहाँ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, वहाँ पर सभी कार्यपत्रकों के हल करके हमने एक साथ डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।